दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के टेस्टिंग पर विपक्षी दलों ने कहा था कि दिल्ली के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस पर दिल्ली सरकार का बचाव किया है और कहा है कि दिल्ली में टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यह भी कहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो टेस्टिंग के लिए फिलहाल ना आए। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता है बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता है बेड नहीं है।